Our next topic is comparing the fractions. While comparing the fractions, students, first of all, we check fraction is like or unlike fraction. First of all, like fractions. Like fractions are those fractions which have the same number in the denominator. For example, 1 by 6, 3 by 6, 9 by 6, 8 by 6. हर एक का चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है. ऑल दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. हेयर इज अनदर एग्जांपल इन द बुक, 2 बाय 4 एंड 3 बाय 4. आपने देखा कि टू स्ट्रिप्स हैं, एक हर एक को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक में 2 पार्ट्स शेडेड हैं, एक में 3 पार्ट्स शेडेड हैं. आप शेडेड पार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका शेडेड पार्ट बड़ा होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. इसके अलावा आप और किस तरीके से देखते हैं, समटाइम डायग्राम नहीं बनी होती और आपको पास जस्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको फ्रैक्शंस दी होती हैं, तो आपने चेक करना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम हैं. सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. 3 बाय 4, 2 बाय 4, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. नाउ बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी विल चेक न्यूमिरेटर्स. अब आप न्यूमिरेटर्स में देखें कि 2 बिगर है या 3 बिगर है. बड़ी आसानी से आपको पता चल जाता है कि 3 बिगर है. सो 3 बाय 4 इज ग्रेटर दैन 2 बाय 4. ये इससे आपको पता चल गया रिजल्ट इसका कि जब लाइक फ्रैक्शंस होंगी तो जिसका न्यूमिरेटर ग्रेटर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. आप स्ट्रिप्स को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका कलरिंग पार्ट ज़्यादा है दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर. नाउ कम व्हेन फ्रैक्शंस आर अनलाइक. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, 1 बाय 3, 2 बाय 4, 9 बाय 10. क्योंकि आप देख रहे हैं इन सब के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे देखेंगे कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बिगर है और कौन सी स्मॉलर है. इन अनलाइक फ्रैक्शंस इफ द न्यूमिरेटर इज सेम. आपके लिए आपकी बुक में ये है कि इन अनलाइक फ्रैक्शंस इफ द न्यूमिरेटर इज सेम द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. और इसी तरह से सारा आपके सामने एक एग्जांपल है, 1 बाय 3 एंड 1 बाय 6. आप देख रहे हैं कि बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है. अब इसको कैसे चेक किया जाए कि कौन सी फ्रैक्शन बिगर है, कौन सी स्मॉलर है. एक तो बाय डायग्राम आप कर सकते हैं, आप इसकी स्ट्रिप्स ड्रॉ करें. आपने फर्स्ट वाले स्ट्रिप्स आपने सेम साइज़ की बना लेनी है, सेम लेंथ की बना लेनी है. एक को आपने टोटल पार्ट्स 3 में डिवाइड करने और उसमें से 1 पार्ट में कलर कर लेना है. दूसरी को आपने 6 टोटल पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 1 पार्ट में कलर करना है. अब आप चेक करेंगे कि किसका कलरिंग पार्ट ज़्यादा है. इस तरह भी आप देख सकते हैं, इस पर बात होती है. दूसरे नंबर पे आप देखें कि इनके क्योंकि न्यूमिरेटर एक जैसे हैं, पहले हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शंस थी उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर एक जैसे थे और हमने न्यूमिरेटर को चेक किया था. यहाँ पर हमारे पास न्यूमिरेटर एक जैसे हैं, अब हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करके पता करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बिगर है और कौन सी स्मॉलर है. इसके लिए स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए डिनोमिनेटर्स और अपने माइंड में रखिए कि इसमें जो डिनोमिनेटर स्मॉलर नंबर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. सो 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय 6. आप डायग्राम से भी देख लें कि 1 बाय 3 का कलरिंग पार्ट ज़्यादा है, 1 बाय 6 का कलरिंग पार्ट कम है. सो 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 बाय 6. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको रूटीन लाइफ में से भी दे देती हूँ. सपोज के स्टूडेंट्स, आपके घर में एक पिज़्ज़ा आया है, एक घर में 3 बहन भाई हैं और एक घर में दूसरे घर में भी आया है और वहाँ पर 6 बहन भाई हैं.
तो पहले घर में 3 पार्ट्स होंगे, दूसरे घर में 6 पार्ट्स होंगे, तो किस घर में बच्चे को ज़्यादा पार्ट मिलेगा? जाहिर है जहाँ पर 3 पार्ट्स में टोटल वाले पार्ट को 3 में डिवाइड किया गया है, सेम साइज़ है दोनों का, तो एक घर में 3 पार्ट्स में किया गया है, दूसरे घर में 6 पार्ट्स में किया गया है, तो जहाँ पर 3 पार्ट्स में किया गया है वो पार्ट बड़ा होगा। तो जब आपके न्यूमिनेटर सेम होंगे और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। आप इसी तरह से जब आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना आ जाएगा तो आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आसानी से कर सकते हैं। ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस में आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, आपके पास 3 स्ट्रिप्स हैं और ये आपके पास है जी लाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस में सबसे पहले आपके पास एक जो फ्रैक्शन है वो है 3/4, उसके बाद है 1/4 और नंबर 3rd पे है 2/4। आपको पता चल गया कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। स्ट्रिप्स को देख के आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने सबसे पहले अगर इसको आपने करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। तो कलरिंग पार्ट चेक कीजिए, 1/4 सबसे छोटा है, 2/4 थोड़ा सा बड़ा है और सबसे बड़ा इसमें है 3/4। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो आप लिखेंगे 1/4, 2/4 एंड देन 3/4। और जब आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर मीन बड़े से छोटा। तो फिर आप सबसे बड़ा जो कलरिंग पार्ट है उससे कम चल कलरिंग पार्ट है और फिर सबसे छोटा या लेस कलरिंग पार्ट है आप लिखेंगे, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं।